इस दौर में दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, वहीं अगर उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है। और अगर बात की जाए राहत कोष की तो राहत कोष भी बनाया गया है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत कोष बनाया है जिसमें लगातार दानवीरों की तरफ से पैसा जमा कराया जा रहा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी एक मुख्यमंत्री राहत कोष बनाया गया है जिसमें लोग पैसे जमा कराते हुए नजर आ रहे हैं। ये पैसा उन लोगों के काम आएगा जो लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, ये पैसा इलाज के काम आएगा और ये कोरोना महामारी से लड़ने में एक बड़ा योगदान देगा। इसी दौर में मेरठ पुलिस भी 50 लाख रुपए लेकर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के लिए आई। मेरठ पुलिस ने यह पैसा तमाम कर्मचारियों की सैलरी से निकाला है और ये 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में मेरठ के डीजी प्रशांत कुमार और SSP अजय साहनी के नेतृत्व में जमा करा दिया गया। पुलिस का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मेरठ पुलिस भी छोटा सा योगदान दे पाए। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने स्वयं की सुरक्षा के आगे अपनी ड्यूटी को रख के ड्यूटी बिफोर सेल्फ के मोटो से काम कर रही है और लगातार आपने देखा होगा कि हमारे जोन में और पूरे उत्तर प्रदेश में जब ये संक्रमण फैला तो शुरुआती दिनों में हमारी जो PRV व्हीकल्स हैं, डायल 112 की व्हीकल है, उनके द्वारा कॉल आने पे, आवश्यकता पड़ने पे हम लोगों ने सब आवश्यक वस्तुएं भी मुहैया आम जनता को कराई। इसके साथ साथ जो लॉकडाउन होना है उसको इम्प्लीमेंट करने के का चैलेंजिंग टास्क हम लोग को दिया गया था जिसको हमारे फोर्स ने बखूबी निभाया। इसके अतिरिक्त कम्युनिटी किचन भी जगह जगह पे पुलिस ने स्वयं चलाया। अब हमारे पास स्वयं की सैनिटेशन या स्वयं के मास्क के पैसे मुख्यालय से आ गए। शुरुआती दिनों में जब नहीं आए थे तो हम लोगों ने अपने पुलिस लाइन में इसका मास्क बनाने का भी कार्य करके अपने सभी पुलिसकर्मियों को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अतिरिक्त आम जनता को भी जो हमारे पास सरप्लस था उसको बांटा। इसके अतिरिक्त स्वेच्छा से लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में भी पैसे दिए हैं। इसके लिए अभी तक मेरठ से लगभग 50 लाख की धनराशि और सहारनपुर जनपद की पुलिस ने 34 लाख कुछ हजार की धनराशि अभी तक एकत्रित कर ली है जो पूरे जोन की तरफ से अन्य अगर जगहों से भी स्वेच्छा से कुछ पैसे आते हैं तो करके पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा और फिर वो वहाँ से सभी पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से महानिदेशक के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा।